अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कांदे पोहे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या फिर शाम की छोटी मोटी भूख में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं ये कांदा पोहा मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। तो पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पोहा लिया है। मार्केट में तीन तरह के पोहे आते हैं, एक बहुत मोटी थिकनेस वाला पोहा होता है और एक बहुत ही पतला होता है। तो हमें मीडियम थिकनेस वाला पोहा लेना है और एक मीडियम साइज की प्याज चाहिए हमें बारीक चॉप की हुई। और ये मैंने 50 ग्राम मूंगफली ली है, आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चार हरी मिर्च लिए मैंने बारीक कटी हुई, इसे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चार से पाँच हमें करी पत्ते चाहिए। हरा धनिया चाहिए हमें बारीक कटा हुआ और आधा नींबू मैंने काट कर रख लिया है। चीनी लिए मैंने 1/4 टीस्पून। अगर आप शक्कर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन शक्कर से पोहे का टेस्ट अच्छा आता है। हल्दी लेंगे हम 1/4 टीस्पून, नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 टीस्पून हम जीरा लेंगे। तो ये चीज़ें चाहिए हमें पोहा बनाने के लिए। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पोहे लिए हैं उसे हम धो लेंगे। इसे भिगो कर रखना नहीं है, इसे बस धोकर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको पोहे को धोकर रख लेना है। तो ये पोहे मैंने धो लिए हैं, अब मैं इसे रख दूंगी साइड में और इसके बाद हम इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये मूँगफली डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। जब हमारी मूँगफली अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो मूंगफली निकालने के बाद हम इसी ऑयल में ये ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसी के साथ ही हम इसमें ये करी पत्ते इस तरह से तोड़कर डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें ये कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें ये हल्दी ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो पोहा हमने धोकर रखा था वो इसमें डाल देंगे। पोहे को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये जो पोहा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो हमने जो मूंगफली फ्राई करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। तो जितना खट्टा हमें पसंद है उस हिसाब से हम इसमें नींबू के कुछ ड्रॉप निचोड़ के डाल देंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें ये हरा धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे डिश आउट कर लेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा कांदा पोहा बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे सुबह या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।